अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक है? अपने घर में खुश और आबाद रहे। एक नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं क्योंकि हो रही हैं छुट्टियां बच्चों की, और छुट्टियों में हर जगह बच्चों को जाना एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, और हमारा भी दिल होता है कि हम भी कहीं घूमने फिरने के लिए निकलें। और हम आ गए हैं, ये आप देख सकते हैं, कराची में एक जगह है जहाँ दुनिया जा चुकी है और मैं नहीं गई थी अब तक। और मैंने कहा कि क्यों ना इस बार हम भी ट्राई करें, कि लोगों ने बड़ी तारीफ़ की है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जाना चाहिए, रीज़नेबल चीज़ें होती हैं, सारे ब्रांड्स होते हैं। ओके फाइन, हम भी गए यहाँ पर। जी हाँ, ये था लकी वन मॉल, और लकी वन मॉल का ये बेस था, और देन हमने ये खाड़ी की शॉप विज़िट की जहाँ पे ज्वेलरी तो पता नहीं कैसी थी, लेकिन बस थी ज्वेलरी। और ये सारा फ्लोर्स हमने टच किया, सारे ब्रांड्स थे, सारा कुछ था, बट आई थिंक बहुत ही कॉस्टली था जो हमारी रेंज से बाहर था। और कोई सेल नहीं थी, कोई नथिंग नहीं थी, क्योंकि आई थिंक सो के रमज़ान, वो सॉरी टू से रमज़ान नहीं, ईद का टाइम चल रहा है, इस वजह से। तो थोड़े बहुत परफ्यूम्स ट्राई किए, हर ब्रांड्स के परफ्यूम थे, सारा कुछ था, और परफ्यूम्स कुछ बाय भी करा था। ऐसी बात है कि ईद थी तो लेना ज़रूरी भी था, और जब हम आए हैं तो हमने क्यों ना डिस्काउंट से भी थोड़ा बहुत 20-30% डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएँ। ये बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था, आई थिंक सो कि ये रमज़ान का ही बना हुआ था, और हमारी बेटियाँ दोनों फटाफट जाके यहाँ पे अपने पोजेस खिंचवा रही थी कि हम भी यहाँ पर आ चुके हैं लकी वन मॉल में। अच्छा था, नाइस था, और एक्सपीरियंस गुड था, लेकिन हमने इतनी शॉपिंग नहीं की, ओनली विंडो शॉपिंग पे ही काम चलाया। उसके बाद ये यहाँ पर सारे जलबरी के आइटम्स थे, आइसक्रीम को ट्राई की, अच्छी थी, नो डाउट 200 में स्मॉल कप बेटर ऑप्शन था। और इसके बाद ये माहीन बैठ गई थी राइड्स पे, इनको बैठना लाजिम था, और ये आप लोगों ने हर ब्लॉक में देखा होगा, कहीं ना कहीं मॉल में ज़रूर इस पे बैठती हैं, और इन्होंने फौरन कार को बुलाया और उसकी राइड लेना शुरू करी। असल में वो किसी और बच्चे को लेके गए हुए थे, देन उसके बाद वो आएंगे, तब तक हमने कहा क्यों ना इस पे बहला दिया जाए माहीन को। तो माहीन को इस पे बिठा के थोड़ा सा पोजेस वगैरह हम ले रहे थे, हम तब तक वेट कर रहे थे अब इसकी कार का। उसके बाद इनके पोजेस चल ही रहे थे, ये एक दो पोजेस मैंने शेयर भी करे आपके साथ। और यहाँ पर ये आ गए हैं हम लोग वापस नीचे, इनकी बेसमेंट पे एक वो थी मॉल बना हुआ, और सारी वैरायटीज़ थी, सारा कुछ था, थोड़ी बहुत देखी करी, और हमने तब तक इतना वेट करते, फिर हमने इनको गाड़ी में बिठा दिया, क्योंकि कितना वेट गाड़ी का किया जाता। देन उसके बाद ये बहुत खुश थी दोनों, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप दोनों बच्चियाँ बिठा सकती हैं, तो हमने कहा श्योर वाई नॉट, क्यों नहीं हम दोनों बच्चों को बिठा के एक राइड करवा लेते हैं। और हमने वो राइड करवाई, उसके बाद थोड़ा सा बच्चों ने घुमा फेरा, क्योंकि बहुत बड़ा था, आई नो दैट बहुत बिग है ये सारा मॉल, और जो हम थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, और थोड़ी बहुत हमने शॉपिंग की, ज़्यादा हमने शॉपिंग नहीं की, थोड़ा बहुत ये बच्चे राइड्स पे पोजेस लेना, राइड्स पे बैठना, बार बार ये पोजेस ले रही थी, तो थोड़ा सा बस इनकी इंजॉयमेंट थी। और अपनी खाला के साथ गए थे, खाला के घर गए थे, तो क्यों ना हमने कहा कि क्यों लकी वन मॉल का हम भी विज़िट करें, और आप लोग भी जाइएगा, हम भी गए थे, और हमें बस कुछ खाया पिया और चिल करके वापस आ गए। आप लोग भी जाएँ, इस तरह खाएँ पिएँ और चिल करके वापस आ जाए, हमारी तरह एक चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह लगा हो तो सेल आइटम्स के भी लगे हुए थे, लेकिन हमें पसंद नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लें। ऑनलाइन में काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस होते हैं इनके, जो हम शॉप्स पर अवेलेबल नहीं होते, आई थिंक सो। ये हमने इनके सेकेंड फ्लोर से ये पूरी बनाई थी, कि देखो नीचे कितना मेडिकल का भी उन्होंने लगाया हुआ था, कैंप वगैरह लगा हुआ था किसी का। और ये डोनट हमने ट्राई किए थे, अच्छे थे, डंकी डोनट्स के तो वैसे भी सबको पता है कि अच्छे डोनट्स होते हैं, बच्चों ने देखे, जो उनको पसंद आया उन्होंने चॉकलेट टॉपिंग जो भी ना उनको पसंद था उन्होंने ट्राई किया, अच्छा था सारा कुछ। और आप भी जाइएगा, दुआ में हमें याद रखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर।